नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आए हैं महिंद्रा XUV300, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है और यह कॉम्पैक्ट XUV में सबसे सेफेस्ट SUV माना जाता है और इसने 5 स्टार स्कोर किया है सेफ्टी में। तो आगे वीडियो में इसके सभी सेफ्टी फीचर्स, इंजन, पावर फिगर और भी अनेकों फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। XUV में 4 मॉडल आते हैं, W4, W6 और W8 और W8 ऑप्शनल। और यहाँ W8 मॉडल है और फ्रंट से आप इसके फुल लुक को देख सकते हैं, काफ़ी मस्कुलर दिखाई देता है। और इसमें W8 से प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसके जो टर्निंग इंडिकेटर्स है ये बल्ब के रूप में दिए हुए हैं और इसमें LED DRL देखने को मिल जाएगा। W8 से प्रॉब्लम देखने को भी मिल जाता है और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर बल्ब को देख सकते हैं और इसमें कुछ इस तरह से ग्रिल दिया हुआ है और इसमें क्रोम इंसर्ट भी किया हुआ है। और यहाँ पर आप महिंद्रा के लोगों को देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके फ्रंट स्लाइडर को देख सकते हैं, जो कि इंजन को नीचे से कवर किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और राइट साइड से कार के फुल व्यू को देख सकते हैं। इसका बोनेट कुछ इस तरह से लंबा डिजाइन किया हुआ है और यहाँ अपने सेगमेंट में शायद सबसे ज़्यादा चौड़ी कार भी है। और यह इसका विंड ग्लास कुछ इस तरह से है, इसमें नॉर्मल टाइप से वाइपर देखने को मिल जाता है। इसमें बेस मॉडल से ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ ही W8 से इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवर देखने को मिल जाएंगे। और इसमें टर्न इंडिकेटर्स भी माउंट किए हुए हैं और इसमें पियानो ब्लैक कलर के साथ में A पिलर देखने को मिल जाता है। और इसके ग्लास एरिया को देख सकते हैं और ये B पिलर भी मैट ब्लैक कलर के साथ में दिया है और पीछे में आपको पियानो फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर के साथ में डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा और इसमें W8 से पैसिव कीलेस एंट्री देखने को मिल जाता है। और इसमें डोर क्लाइडिंग कुछ इस तरह से यूज किया हुआ है और नीचे से आप पूरा देख सकते हैं। और इसमें लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप इसके VLRC को देख सकते हैं और ये रियल VLRC कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसमें खूबसूरत रूफ रेल देने को मिल जाता है, जो कि W6 से मिल जाएगा। और ये पूरा ऊपर से इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं और इसमें कुछ इस प्रकार से एंटीना देखने को मिल जाता है और इसका रियर लुक कुछ इस प्रकार से आता है। इसमें LED के साथ में रियर कॉम्बिनेशन लाइट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर रिवर्स लाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पर W8 का बैचिंग मिल जाएगा, इसमें ऑटो शिफ्ट का बैचिंग भी दिया हुआ है और ये XUV300 का बैचिंग। और रियर ग्लास कुछ इस प्रकार से है, इसमें W8 वेरियंट से रियर वाइपर प्लस डिफॉगर वॉशर ये सभी चीज देखने को मिल जाएगा। और इसका रियर स्पॉइलर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें हाई स्टॉप लाइट माउंट किया हुआ है। और इसमें रियर स्लाइडर डुअल टोन के साथ में आता है, इसमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और पीछे में 2 पार्किंग सेंसर दिया हुआ है, उसके साथ ही W8 से रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि एडेप्टिव गाइडलाइन के साथ में आता है। और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह दिया हुआ है। चलिए इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। पुश बटन दिया हुआ है, उसके मदद से इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। और डोर में कुछ इस तरह से पैडिंग यूज किया हुआ है और इस डोर को आप यहाँ से ओपन करके बड़े आसानी से भी ओपन कर सकते हैं। और इसमें कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और नीचे में स्पेयर व्हील प्लस टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और एक एक्स्ट्रा ट्रे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जिससे इसके डेप्थ को आप मेंटेन कर पाएंगे। और यहाँ पर रियर पासर ट्रे मिल जाएगा और इसकी मदद से इसे आप 60:40 में स्प्लिट करके इसके स्पेस को और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके बूट को बंद कर लेते हैं। यह कार पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, रीज़न है इसका जो सेफ्टी फीचर्स हो और उसके साथ ही इसमें लगा हुआ पावरफुल इंजन। तो चलिए इसके बोनेट को ओपन करके आपको इसका इंजन दिखाते हैं। इसका जो बोनेट है काफ़ी हैवी डिज़ाइन किया हुआ है, इसे मैं एक ही हाथ से इसके स्टार्ट को नहीं लगा सकता, इसके लिए दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इसका इंजन कंपार्टमेंट अरेंज किया हुआ है और इसमें ये इंसुलेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पेट्रोल इंजन है, इसमें डीजल इंजन वाला ऑप्शन भी आता है। इसके पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 109 PS का पावर 5000 RPM पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3000 RPM पर प्रोड्यूस करता है। महिंद्रा हमेशा से यह कोशिश करता है कि वह अपने सेगमेंट में अधिक से अधिक पावरफुल कार बना सके और ये रीजन है कि यह अपने सेगमेंट में काफी पावरफुल कार है। और इसका जो डीजल इंजन आता है वह 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन होता है और उसके पावर फिगर को आप डिस्प्ले से देख सकते हैं। और जो डीजल इंजन है वह 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस साइज के व्हीकल के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि आपने बड़े से बड़े और भी SUV देखे होंगे जिसमें 300 न्यूटन मीटर टॉर्क होता भी नहीं है, लेकिन महिंद्रा ने अपने इस छोटे कार में भी काफी अच्छा टॉर्की इंजन दिया हुआ है। महिंद्रा नोस हाउ टू मेक डीजल इंजन, जिस वजह से ही वह अपने इंजनों से इस प्रकार के करामत कर पाता है। उसके साथ ही इसमें पेट्रोल में आपको मैक्सिमम 15-16 का भी माइलेज मिल जाता है और डीजल इंजन में आपको 20 तक का माइलेज मिल जाएगा, तो माइलेज में भी उतना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप इसके एयर फिल्टर को देख सकते हैं, ये रहा बैटरी, यहाँ पर फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है, ये रहा टर्बो चार्जर, कूलेंट, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक ऑयल, वाइपर वॉशर
और ये बुशिंग वगैरह कुछ इस तरह से है, और नीचे में इसमें इंजन गार्ड लगाया हुआ है और यहीं पर ही इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाएगा और ये सब पुली वगैरह को देख सकते हैं। तो आप इस कार से कभी भी पावर फिगर और इसके इंजन के मामले में निराश नहीं होंगे, आप हमेशा इसको चलाते वक्त एंजॉय करेंगे। यह कार भले ही अंडर 4 मीटर कैटेगरी में आता है, उसके बाद भी इसके अंदर में आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और महिंद्रा ने इसे अंडर 4 मीटर इसलिए बनाया ताकि इसके प्राइस को मेंटेन किया जा सके। XUV300 में कुछ इस प्रकार से की देखने को मिल जाता है। तो चलिए अंदर चलकर इसका इंटीरियर देखते हैं। यहाँ से आप ये डोर पैडिंग को देख सकते हैं, डुअल टोन के साथ में इसमें दिया हुआ है, और इसमें स्पीकर और ट्विटर दोनों देखने को मिल जाएंगे, और क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में डोर ओपन हैंडल मिल जाता है। प्लस विंडो के सभी कंट्रोल कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, और इससे आप इसके मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और यहीं से इसे फोल्ड भी कर पाएंगे। और इसमें बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर ये मिल जाएगा, और यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल जाता है, और इसमें सेफ्टी के लिए यहाँ पर लाइट लगाकर दिया हुआ है, और ये डोर ओपन एंगल को देख पा रहे होंगे जिसकी वजह से इसमें आपको चढ़ने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें आप बड़े आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं, और यहाँ पर एयरबैग लिखा हुआ मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका सीट डिजाइन किया हुआ है, और इसमें मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगा। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। यहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख सकते हैं, इसमें मल्टी कलर के साथ में इल्यूमिनेशन लाइट देखने को मिल जाता है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और इस साइड में एनालॉग प्रकार में आरपीएम मीटर और इधर स्पीडोमीटर और बीच में एमआईडी मिल जाएगा। इसमें क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइप, टेम्परेचर, ओडोमीटर और गियर का पोजीशन इंडिकेट करेगा, फ्यूल गेज, ये सभी चीज़ दिया हुआ है, इंजन चेक लाइट और भी जितने प्रकार के माल फंक्शन लाइट होते हैं सभी चीज़ में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इसमें एक बटन की मदद से ही आप नेविगेशन में जा सकते हैं, और यहाँ से आप और भी अनेकों प्रकार के अपने कार का इन्फो ले सकते हैं, जैसे कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सभी चीज़ बताएगा। उसके बाद टायरट्रॉनिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप टायर प्रेशर को देख सकते हैं कितना है, ये राइट साइड के रियर व्हील में प्रेशर कम हो चुका है बता रहा है, और यहाँ से ये रिवर्स कैमरा को भी आप यहीं से ही देख सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी अलर्ट जैसे आ रहेगा माल फंक्शनिंग का, उसको यहाँ पर दिखा देगा, और ये सब सर्विस इन्फो आप यहाँ से देख पाएंगे, सब रेडियो और फोन के लिए सब दिया हुआ है। और इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसका फीचर मिल जाएगा, उसके साथ ही इसमें मीडिया भी आप चला पाएंगे। ये डिफॉगर के लिए, ये पैसेंजर सीट बेल्ट के लिए, यहाँ पर पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, और ये सेट ट्रिप इसका बटन मिल जाएगा, इससे आप इसके स्टीयरिंग मोड को चेंज कर पाएंगे, जैसे कि आपको दिखाते हैं। अभी ये नॉर्मल मोड में है, इसके बाद ये स्पोर्ट्स मोड, और इसके बाद ये कंफर्ट मोड। इसे आप सिटी में नॉर्मल मोड में चला सकते हैं, जब आप इसे हाई ओम ड्राइव करेंगे उस कंडीशन में इसे स्पोर्ट मोड में चलाएं, उससे इंजन में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें वेट कम ज़्यादा हो जाता है। और स्पोर्ट्स मोड में ये स्टीयरिंग आपको थोड़ा हैवी फील होगा, जिसकी वजह से आपका कार के ऊपर पकड़ काफी अच्छा हो जाता है, और इट कुड पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। और यहाँ से आप पूरा सेंटर कंसोल को देख पा रहे होंगे, इसमें W8 से आर्मर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ये होल्डर वगैरह मिल जाएंगे, और ये हैंड ब्रेक, और ये ऑटो शिफ्ट के साथ में इसका गियर लीवर, और इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एसी देखने को मिल जाता है, और इसमें ऑटो एसी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सेट करने के बाद इस बटन से इस तरफ का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर पाएंगे, और इसकी तरफ से इस तरफ का, तो आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। USB टाइप देखने को मिल जाता है, और इसमें ऑक्स के लिए भी दिया हुआ है, और यहाँ पर 12 वाट का 4 इंच सॉकेट भी मिल जाएगा, और ये पूरा पियानो ब्लैक कलर के साथ में दिया हुआ है, तो आप इसे ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर इसके डैशबोर्ड को देखें तो चौड़ा इसमें डैशबोर्ड दिया हुआ है, जो कि हार्ड प्लास्टिक साथ में आते हैं, और यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक कलर के साथ में ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, और इसमें कुछ इस प्रकार से ग्लव बॉल देखने को मिल जाएगा। और इसके W8 मॉडल से 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर देखने को मिलता है, बाकी इसके नीचे वाले वेरिएंट में सभी में 4 स्पीकर ही मिलेंगे। और W8 से ऑटो डे नाइट IRVM देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड के सनवाइजर को देख सकते हैं, जो कि इल्यूमिनेशन लाइट के साथ में आते हैं, और ड्राइवर साइड का सनवाइजर, इसमें भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, और सब लाइट्स को आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाएंगे, और इसकी मदद से सनरूफ को खोल सकते हैं, और इसका जो सनरूफ है कुछ इतना ओपन होता है, और यहाँ पर माइक देखने को भी मिल जाएगा। वो ड्राइवर साइड के डोर को देख पा रहे होंगे, इसमें पियानो फिनिशिंग दिया हुआ है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मिल जाता है, और इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही सीट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को भी मिल जाता है। और ये जो सीट है ये बैठने में काफ़ी आरामदायक ही है, और कुछ इस प्रकार से इसका स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, इसमें सभी प्रकार के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे वॉइस कमांड का भी बटन दिया हुआ है, और इसमें क्रूज कंट्रोल देखने को भी मिल जाता है, जो कि W8 से मिलता है, और इस साइड में सही प्रकार के लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पर दिए हुए हैं, और इससे आप
वाइपर को सही प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। और ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद कुछ इतना व्यू मिलता है और इसका जो बोनेट है पूरी तरह से विजिबल होता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ही कमांडिंग पोजीशन मिल जाता है। तो ये सब फायदे हैं XUV300 के। अगर आप कार चलाना इंजॉय करते हैं तो वैसे इंसान के लिए ये कार एक परफेक्ट कार हो जाता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोनों इंजन के साथ में अवेलेबल है। और इसे आप इस तरफ करके इसे न्यूट्रल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे अगर ऐसे कर लेंगे तो यहाँ रिवर्स गियर के लिए अप्लाई हो जाता है, वापस इसे करके फिर न्यूट्रल कर पाएंगे। और इधर करने पर यह ड्राइव मोड के लिए एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद इसे आप चला सकते हैं और इसे कुछ इस तरह से करके आप इसे प्लस माइनस कर पाएंगे, मतलब यह एक स्पोर्ट्स मोड के रूप में भी काम करता है, जिसे आप मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इसमें यह सब दिया हुआ है। आप इसके डोर थर्ड को सुन सकते हैं। यहाँ पे आप इसके पैडल को देख सकते हैं और इसमें एक डेड पैडल भी दिया हुआ है। इसके फ्यूल लीड को ओपन कर पाएंगे और ये बोनेट ओपन करने के लिए। इसका जो रियर डोर है कुछ इतना ओपन होता है और इसमें कुछ इस प्रकार से डोर पैनिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है, विंडो के कंट्रोल, ये सब चीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर, ये सब चीज़ मिल जाता है। और इसमें तीनों ही पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मैगजीन होल्डर मिल जाएगा और रियर रो में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। और इसमें तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट देखने को भी मिल जाता है। यहाँ से आप रियर कैबिन लैंप को ऑन ऑफ कर पाएंगे। ये सब ग्रैब हैंडल मिल जाएगा और ये सब एयर बैग का यहाँ पर बैचिंग मिल जाता है। और इसके रियर रो में तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल डिज़ाइन किया हुआ है और इसका जो फ्लोर है लगभग फ्लैट डिज़ाइन किया हुआ है। बात करें इसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स का, तो इसमें बेस मॉडल में दो एयर बैग और W8 ऑप्शनल में 6 एयर बैग देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही इसके जो सीट बेल्ट है ये लो लिमिटर के साथ में आते हैं बेस मॉडल से ही। और आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक और ABS प्लस EBD और कॉर्निंग ब्रेक कंट्रोल, ये सभी चीज़ बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं। उसके साथ ही पैनिक ब्रेक सिग्नल भी मिल जाएगा। और इसके ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में हिल होल असिस्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसमें ESP विथ रोल ओवर मीडिएशन, ये सभी चीज़ मिल जाते हैं, प्लस एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ये सभी चीज़ मिल जाएगा। तो सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा ने इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ा है और यही रीज़न है कि इस कार ने सेफ्टी में 5 में 5 स्टार स्कोर किया हुआ है। अगर आप महिंद्रा के कोई भी कार परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एड्रेस में आकर आप अपना पसंदीदा महिंद्रा कार परचेस कर सकते हैं और इस किस्म दिए हुए नंबर में कॉल करके आप अपना टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए इंजन को स्टार्ट करके केबिन के अंदर कितना नॉइस आता है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर टायर एंगल भी दिखाता है, जैसे कि देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादा कुछ नॉइस इसमें नहीं आता है, काफ़ी रिफाइन इसमें दिया हुआ है। चलिए 300 के मैनुअल वेरिएंट को भी आपको दिखा देते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और इसको रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से टॉगल करके इसे रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, ये सभी चीज़ दिया हुआ। और यहाँ एक डीजल वाला वेरिएंट है, चलिए इसके डीजल इंजन वाले कंपार्टमेंट को आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप इसके डीजल इंजन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। और इसमें 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया हुआ है और यह काफ़ी सक्सेसफुल इंजन माना जाता है। और इसका पावर फिगर तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, चलिए इसे बंद कर लेते हैं। और इसका जो बोनेट है काफ़ी हैवी डिज़ाइन किया हुआ है। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका टोटल लेंथ 3995 mm और विड्थ 1821 mm का दिया हुआ है। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त 2600 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कार के जो टोटल हाइट यह 1627 mm का दिया हुआ है और इसमें 42 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसके टायर साइज की बात करें तो इसमें 215x55 सेक्शन के 17 इंच के डायमंड के अलॉय व्हील के साथ में टायर देखने को मिल जाते हैं। और शायद ये अपने सेगमेंट की फर्स्ट कार है जिसने चारों व्हील में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी आपको गजब देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स और इतना खूबियां देखने को मिलता है आपको महिंद्रा XUV300 में, जो कि इस कार को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस कार से कोई भी और डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।